हेलो एवरीवन एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी SSC JEE 2020 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि SSC JEE 2020 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, फॉर्म्स फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक तैयारी करना स्टार्ट कर चुके थे या जो प्लान कर रहे थे, डेफिनेटली आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, राइट। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट करें, क्योंकि आपके सामने अब वैकेंसी है, फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो फॉर्म फिल करने हैं आपको और एग्ज़ाम देने हैं। तो आज हम हमारे इस वीडियो में शॉर्ट में देखेंगे क्या एग्ज़ाम डेट है जो अनाउंस की गई है और क्या आपके फॉर्म्स की स्टार्टिंग और लास्ट डेट है, ठीक है। इसी वैकेंसी के लिए हमारे डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल वीडियो आएगा, जिसमें कि इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटी से लेकर बड़ी तक सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि टोटल 64 पेजेस का ये आपका नोटिफिकेशन आया है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो वो बातें क्या हैं, किस तरीके से करना है, वो सारा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि फॉर्म्स की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म्स के लिए स्टार्ट डेट है 1st of October 2020 और लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2020, यानी कि 30 दिन का, 30 डेज का टाइम है आपके पास फॉर्म्स को फिल करने का। तो जल्दी से आप फॉर्म्स को फिल करें और एग्जाम के लिए जो एक्सपेक्टेड डेट दी है वो दी है आपकी 22 मार्च 2021, यानी कि 22 मार्च से लेकर 25 मार्च नेक्स्ट ईयर 21 में आपको एग्जाम देना हो, तो करीबन मैं मानूँ कि आपके पास 6 मंथ से भी कम का टाइम है। तो अपनी प्रिपरेशन आज से ही डबल कर दें, क्योंकि इस एग्जाम को छोड़ना नहीं है, क्रैक करके ही मानेंगे, ठीक है। उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ शॉर्ट में, बाकी डिटेल में हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को और करेंगे डिस्कस। पर अभी मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में कि BRO और फरक्का बैराज, ठीक है, ये अभी भी स्टिल 2020 की वैकेंसीज में, और आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊँ BRO की 847 वैकेंसीज BRO की आपके 2019 वैकेंसीज में ऐड की गई हैं, है ना। वापस उन्होंने फाइनल जब दिया था वैकेंसीज का किया था, तो उसमें 847 वैकेंसीज BRO की, सिर्फ BRO की ऐड की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट्स अगर आपके साथ हैं इस नोटिफिकेशन में, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी आपके पास होने वाली है। और उसके साथ में एक और चीज़, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, जो कि हर बार नहीं होता था, इस बार नया डिपार्टमेंट ऐड किया है और तीनों ही स्ट्रीम्स में है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तीनों ही स्ट्रीम्स में इसकी वैकेंसीज ऐड की, यानी कि डेफिनेटली इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सब लोगों को, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों, सब लोगों को इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा मिलने वाली हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा मिलने का मतलब है, आप समझते हैं अच्छे से, कि सिलेक्शन के चांसेस आपके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, बार बार कह रहा हूँ मैं, स्टार्ट कर दें, टाइम कम है, इस बार बहुत अच्छा चांस है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार आपके पास ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो वापस मैं आपको याद दिला दूँ, आप बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल पर, क्योंकि डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो, पूरा वीडियो हम आपके लिए लाएंगे बहुत जल्द, राइट। सो गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.